और जैसे कि आपने इंट्रो के अंदर देखा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी फाड़ू ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसे देख के आप भी बोलोगे देखिए धर्राटे काट रही है। मुझे पता है आप बाइसिकल वाला ग्लिस एंड ट्रिक्स देख देख के थक चुके होंगे, इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आप नॉर्मल लिविक मैप के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, तो अपनी जो सबसे पहली ट्रिक है, इसको करने के लिए आपको क्रैब ग्रेस के पीछे इस लोकेशन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको सामने जो पेड़ दिख रहा है, इसी पेड़ पे ये वाली ट्रिक वर्क करती है। तो सिंपली आपको इस पेड़ के पास यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आकर आपको सामने की तरफ जंप यान, अरे भाई क्या हुआ, क्यों नहीं जंप मारा बे, बोट आ गया। अच्छा, बोट का मौत भी मेरे हाथों से ही लिखा है। चलिए इसको पहले निपटाते हैं, बाद में। हाँ, तो हम कहाँ थे, आपको सबसे पहले इस लोकेशन पे आ जाना है। यहाँ से आपको सामने, क्या कर रहा है भाई तू, यहाँ पर से आपको सामने की तरफ जंप एंड ग्रैब के थ्रू इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाना है। और बूम गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर आप इस पेड़ के ऊपर आ जाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम ही इनविजिबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर 99% हाइड हो जाओगे। आप देख सकते हो बंदे यहाँ पर अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आप इस पेड़ के अंदर कुछ इस तरह से छुप के बैठे होगे। तो ईजिली आप यहाँ पर अपनी रैंक पुश कर सकते हो। और तो और, अगर कोई मुर्गा आपको आसपास दिखता है तो आप आराम से उसका शिकन निकाल सकते हो, आराम से आप उसको सरप्राइज अटैक दे सकते हो। बाकी अपनी अगली ट्रिक की बात करें तो अपनी दूसरी ट्रिक वर्क करती है पावर प्लांट पे। तो आपको पता होगा लिविक में आपका हॉट ड्रॉप लोकेशन है पावर प्लांट पे, बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस साइड जो ये वाली सीढ़ियाँ है, यहाँ पर कई बार बंदे होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इस साइड आते हैं तो डायरेक्ट वो हम पे हल्ला बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको पता चले कि इस साइड बंदे होल्ड करके बैठे हैं तो सिंपली आपको उसके सामने की साइड जो सीढ़ियाँ है, इस साइड यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, जो ये रेलिंग है, इस रेलिंग के ऊपर चढ़ के टॉप पर आ जाना है। यहाँ पर अगर आप एक बार आ जाओगे टॉप पर तो बिना डैमेज खाए आप इजीली यहाँ पर से जो बंदे यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं उनके ऊपर सर्कल अटैक दे सकते हो। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होगा, इजीली आप उन बंदों को मार दोगे। तो आप ये वाला ट्रिक अगर सामने के साइड सीढ़ियों में बंदे बैठे हैं तो भी यूज़ कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट ट्रिक की तरफ। तो जो लोग पबजी एंड BGMI पहले से खेलते हैं उनको पता होगा हॉट स्प्रिंग के अंदर जो ये गड्ढे हैं यहाँ पर पानी के भरे हुए, इसका क्या यूज़ है वो पता होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उसको मैं बता दूं कि यहाँ पर जब भी आप आते हो हॉट स्प्रिंग में और आपकी हेल्थ कम है तो सिंपली आपको जो एक गड्ढे है इसके अंदर आकर बैठ जाना है। तो धीरे धीरे से आपकी जो हेल्थ है वो बूस्ट होने लगेगी, आप ऊपर देख सकते हो। बाकी यहाँ की एक दूसरी ट्रिक मैं आपको सिखा दूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आकर आपको कुछ इस तरह से लेट जाना है, तो आप एकदम ही पानी के अंदर हाइड हो जाओगे और यहाँ पर आपको डैमेज भी नहीं हो रहा है, आपको बाहर से कोई बंदा देख भी नहीं सकता। तो इजीली आप यहाँ पर अपनी रैंक पुश कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको आज की इस वीडियो में से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।